वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं दो टाइप की चटनी। सबसे पहले मिंट चटनी नहीं यानी पुदीना चटनी बना रही हूँ। उसके लिए मैंने पुदीना के पत्ते लिए हैं खूब सारे, उन्हें धोकर साफ करके रख लिया है। इसे मैं ब्लेंडर में ऐड कर रही हूँ सीधा ही, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 8 से 10 हरी मिर्चें तोड़कर। ये देखिए मैं इसे भी ब्लेंडर में ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी, आप देख सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच नमक और इसके बाद 1 बड़ा चम्मच अमचूर, और इसे अच्छे से सब कुछ ब्लेंड कर लेंगे। ये इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी वाटरी है यानी पतली है, आप इसे 8 से 10 दिन रख सकते हैं आराम से। और इसके बाद मैं बना रही हूँ चिली और गार्लिक की चटनी। कलर आप देख सकते हैं इसका कैसा आया है। सबसे पहले मुझे लाल मिर्ची चाहिए ऐसी मोटी मोटी वाली, और लहसुन, इन्हें अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे। ये मैंने काट ली हैं लाल मिर्चें, और लहसुन को साफ करके ब्लेंडर में ऐड कर लिया है। इसके बाद 1.5 चम्मच नमक डाला है, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 बड़े चम्मच दही के, ये कंसिस्टेंसी के लिए है, और इसे ब्लेंड कर लेना है। देखिए ये ब्लेंड हो चुकी है, इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है यानी गाढ़ी है। इसे मोमोज के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, या डोसा के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, या चीला के साथ भी। ये 10 से 12 दिन तक ख़राब नहीं होगी। कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, बाय।